हेलो दोस्तों, डेटा सनू के एक नए एपिसोड में मैं मन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आज हॉनर का हाईटेक स्मार्टफोन का डुअल 4G वोल्टी टेस्ट करने वाले हैं। ये स्मार्टफोन में आपको डुअल 4G वोल्टी मिलता है या नहीं, दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको किरिन का 710 चिपसेट मिलता है जो डुअल 4G वोल्टी को सपोर्ट करता है। 2.2 GHz का 12 नैनोमीटर का चिपसेट है। दोस्तों पहले हम देख सकते हैं, यहां पर आपको डेडिकेटेड एसडी कार्ड का स्लॉट आपको देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं, मैंने 2 GoSIM एक साथ डाल रहा हूं ये स्मार्टफोन में देखने में। पहले स्लॉट पर भी मैंने जियो सिम डाल दिया और दूसरे स्लॉट पर भी मैंने जियो सिम को डाल दिया हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैं दोनों सिम में जियो सिम में डाल रहा हूँ। तो मैं डालने के बाद दोनों ही सिम को एंटर कर रहा हूँ। अभी देखेंगे कि दोनों सिम में आपको नेटवर्क आ रहा है या नहीं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोनों ही सिम में अभी तो नो सर्विस लिखा रहा है, लेकिन हम डुअल 4G वोल्टी को एक्टिव करने के लिए हम नेटवर्क सेटिंग में पहले जाएंगे। नेटवर्क से नीचे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको डुअल सिम 4G और इसको हम ऑन कर देंगे और देखेंगे यहाँ पर आपको डुअल 4G का सिग्नल आता है या नहीं। इंटरनेट एक्सेस ड्यूरिंग कॉल ये भी हम ऑन कर देंगे, तभी हम जब कॉल आए तभी हम चेक कर सकें। दोस्तों आप देख सकते हैं, दोनों ही सिम में जियो सिम आ रहा है और दोनों में आपको नेटवर्क भी बराबर आ रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। पहले सिम पर भी हम ट्राई करेंगे दोनों ही सिम में कॉल जा रहा है या नहीं। पहले हम 198 को कॉल करेंगे, पहले सिम 1 में, उसके बाद 198 को हम सिम 2 स्लॉट में भी ट्राई करेंगे कि कॉल जा रहा है या नहीं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, सिम स्लॉट 2 में भी मैं जब ट्राई कर रहा हूँ कॉल जा रहा है, मतलब ये स्मार्टफोन डुअल 4G वोल्टी को सपोर्ट करता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।